में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव। आज के ताजा खबरों पर एक नजर। दिव्या पांडे ने चौराहे पर आधा दर्जन दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी सहित लाखों का उड़ाया सामान। कुशीनगढ़ पर रौना कोतवाली थाना क्षेत्र के दिव्या पांडे चौराहे पर मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन दुकानों को निशाना बनाया। तीन दुकानों का शटर का ताला तोड़ नकदी लैपटॉप सहित लाखों रुपए के सामान चुरा ले गए। घटना की सूचना पर पहुंची मुकामी पुलिस ने घंटों तक मामले की छानबीन में जुटी रही। वहीं संदिग्धों के घर पहुंच जांच पड़ताल भी किया। इस मामले में पीड़ित दुकानदारों ने मुकामी थाने की पुलिस को थ्री देकर कार्यवाही का मांग किया है। खबरें विस्तार से। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार ग्राम देवरिया पांडे निवासी पप्पू यादव उर्फ रोहिताशु, जो उप चौराहे पर गिट्टी सरिया बालों का थोक दुकान पर रखे है, ने बीती रात अपनी दुकान रोज की भांति बंद कर घर चले गए। जब सुबह हुई तो किसी ने देखा कि इनके शटर का ताला टूटा हुआ है, तो इसकी सूचना इन्हें दी। गोविंद के दुकान के सामने सुरेंद्र गुप्ता निवासी माघी विशुनपुरा किराने की दुकान कर रखे हैं। उनके दुकान का शटर का ताला तोड़ लगभग नगद तथा दुकान में रखे अन्य कीमती सामान चोर चुरा ले गए थे। वहीं विशुनपुरा निवासी विद्या यादव की जनरल स्टोर की दुकान व पगड़ा भी निवासी चंद्रशेखर चौहान की मोबाइल की दुकान है। भगवंत गौर जो पगड़ा के निवासी है, वह किराना का दुकान व बलिराम यादव जो रतनवा के निवासी है, उनकी मेडिकल स्टोर की दुकानों को भी चोरों ने शटर का ताला तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन ताला नहीं टूटने पर कर चले गए। दुकानदार जहां इस घटना से धस्तजदा है, वहीं उन्होंने मांग किया है कि अगर इस चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ तो वह आंदोलन की डगर पर चलने से परहेज नहीं कर सकेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन होगी। आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव के साथ सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट। हम जो है कुशीनगर जनपद के पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के देवरिया पांडे चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा आधा दर्जन से अधिक दुकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें लाखों रुपए के नकदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए हैं, जिससे यहाँ के दुकानदार काफ़ी त्रस्त हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है और छानबीन कर रही है, जिसमें कुछ संदिग्धों को उठाने का वो पूरा प्रयास कर रही है। अब ये देखना है कि इस चोरी की घटना का पर्दाफाश करने में पुलिस कितना समय लगाती है। News 24 से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव के साथ सुनील कुमार तिवारी। पप्पू यादव है, देवरिया पांडे चौराहे पर छड़ गिट्टी वाली का दुकान है। और हमारे यहाँ कल रात में दुकान बंद करके गए तो 40,000 कैश और कुछ सिक्के रखे थे। सुबह कोई सूचना दिया है कि आपकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। हम आए हैं, देखे हैं ताला टूटा हुआ, तो मेरे सन्न से रह गए और देख रहे हैं तो हमारा सब कैश और सिक्का उठा सब गायब है। और आपकी दुकान में क्या क्या चाहिए? हमारा नाम जब प्रकाश भारती है और यहाँ पे दुकान खुल रहा है। लैपटॉप हमारा गायब है, जो भी कीमती सामान है, जैसे चार्जर है, फोन है, ये सब कीमती वाला सामान सब गायब हो चुका है। सामान गायब होगा लगभग लैपटॉप 25,000 का था, उसके बाद फिर जो भी सामान है 10-12,000 का वो था, जो भी सामान गायब हुआ है। एंड्रॉइड किताब को और कीपैड वाला फ़ोन था, वो सब गायब हो चुका है। कैसे